क्या कोरोना वायरस भारत को फायदा पहुंचाने वाला है? ये वायरस चीन को कैसे सबसे बड़ा नुकसान देने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। मैं हूं सोनिका जियाल। दोस्तों, आज चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया का सरदर्द बन चुका है और पूरी दुनिया भर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब इस वायरस ने चीन की जड़ें हिलाने की तैयारियां कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि चीन का जो वुहान शहर है वो पूरे चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश भी करती हैं। लेकिन अब यही कि 1000 से ज्यादा कंपनियों ने यहाँ से मूव करने की प्लानिंग कर ली है, यानी कि अब वो यहाँ निवेश नहीं करना चाहती। दरअसल कोरोना की वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ा, तो इसी वजह से भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना हो, इसीलिए ये कंपनियां सोच रही हैं कि उन्हें और जगह भी तलाशनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें आए तो ये संकट उन्हें ना झेलना पड़े। इसीलिए इन कंपनियों ने और देशों का रुख करने की सोची है और जगह भी निवेश करने की सोची है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा देश भी इन कंपनियों की निगाह में है। वियतनाम और भारत जैसे देशों में ये कंपनियां अब निवेश करने का सोच रही हैं और 300 कंपनियों ने तो भारत में फैक्ट्री लगाने का पूरा पूरा मूड भी बना लिया है। आपको बता दें, ये सारी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर और मेडिकल डिवाइसेस, सिंथेटिक फैब्रिक, इन सब से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और अगर ये कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो इसका भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नौकरियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस वक्त कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से मार झेल रही है और अगर ये विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करती है तो उसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को ही होगा। इसके अलावा जापानीज कंपनियों को भी उन्होंने जापान ने 2.2 बिलियन की मदद की है ताकि वो चीन से बाहर अब उत्पादन कर सके। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है भारत के पास कि वो जापान के साथ भी संबंध स्थापित करे ताकि जापानीज कंपनियां भारत में निवेश करें। इसके अलावा भारत सरकार इस तरह की बहुत सारी छूट और रियायतें देती है ताकि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारत में निवेश करें। इसके लिए कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसकी दर 22% की गई है और इसके अलावा जो नई कंपनियां हैं उनके लिए 17% ये टैक्स किया गया है और साथ ही मैट जो 18% देना पड़ता था 15% ही देना पड़ेगा। मैट उन कंपनियों को देना पड़ता है जो कंपनियां मुनाफा तो बहुत कमाती है लेकिन कुछ रियायतों के चलते उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा लेकिन साथ ही चीन को बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त झेलना पड़ेगा अगर ये सारी कंपनियां वहां से मूव कर जाती हैं। देखिए, हाल ही में मैंने पीएम मोदी के एक लेख के बारे में आपको बताया था जिसमें उन्होंने एक मॉडल सुझाया था और ये भी कहा था कि कोरोना को अवसर की तरह लिया जाए और पीएम मोदी के इस इशारे को यूपी ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसीलिए यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये इशारा समझते हुए अमेरिका की 100 कंपनियों से बात की है कि वो यूपी में निवेश करे और उन्होंने बताया है कि यूपी में बहुत अच्छा स्कोप इस चीज़ का है। तो अमेरिकी कंपनियाँ भी काफ़ी हद तक मान चुकी है और वो अपनी ही मर्जी से, अपनी ही स्वेच्छा से यहाँ निवेश करना चाहती है और अगर ऐसा हो गया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लाखों करोड़ों का निवेश इस देश में होगा जिससे नौकरियाँ बढ़ेंगी और हम सभी को फायदा होने वाला है। और इससे एक फ़ायदा यूपी के मिनिस्टर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी होगा, उनकी राजनीति भी चमकेगी। तो ये तमाम फायदे हैं अगर विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करती हैं और इसे कोरोना का एक अवसर, कोरोना ने हमें एक फ़ायदा दिया है जिसे हमारे देश को ज़रूर उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के कोरोना से जुड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स को।